एक और नया साइबर क्राइम का किस्सा सामने आया है। इस वक्त तभी आप लोगों को मैं मिलवाने जा रहा हूँ भानु प्रताप सिंह जी से, जिनके साथ ये पूरा केस हुआ है। भानु प्रताप सिंह जी हैं मेरे साथ। ये भानु प्रताप सिंह जी की अकाउंट डिटेल्स हैं, जो कि इनका बैंक अकाउंट है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके अंदर इनके बैंक अकाउंट से मैं आपको पहले ये ट्रांजेक्शन दिखाना चाहूँगा। ये दो ट्रांजेक्शन हुई हैं 3,000-3,000 की, ये आप देख सकते हैं। एक 3,000 की जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है 26 तारीख को, जो बाद में वो 3,000 रुपये वापस आ भी जाते हैं। फिर उसी दिन 26 तारीख को एक और 3,000 की ट्रांजेक्शन होती है जो अभी तक नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ सामने आ रही है, और कई बार हम आपको बता भी चुके हैं कि ये जो साइबर क्राइम का इशू है, जिसके अंदर बैंक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है, कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो है नकली बैंक वाले बन के जो है लोगों से अकाउंट डिटेल्स ले रहे हैं और उनके अकाउंट्स में जो है पूरी सेंध लगा जाते हैं। और यहाँ पर तो भानु प्रताप सिंह जी के साथ जो है ये 3,000 रुपये इनके अकाउंट से निकले हैं, इनकी सैलरी से। और जब ये SBI बैंक जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है वो हम बात करेंगे भानु जी से। भानु जी, ये क्या पूरी बात बताइए, ये जिस दिन ये आपने जो स्टेटमेंट लाई है क्या बात हुई? सबसे पहले आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कीमती समय निकाल के मेरे पास आए, मेरी प्रॉब्लम को समझा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकलवाई, तो जब मैं एक्चुअली सांबा में जा रहा हूँ टूर पे जाता हूँ, एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, टूर पे जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को 3,000 की ज़रूरत पड़ती है जी। तो वहाँ पे मैं 3 ट्रांजेक्शन करता हूँ, मींस कि फर्स्ट करता हूँ तो मेरे पैसे नहीं निकलते, वो SBI से करता हूँ तो वो उसी वक्त रिफंड हो जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम करता हूँ तो वो थोड़ी देर के बाद मेरे को वो HDFC से करता हूँ, पता नहीं PNB से करता हूँ, अब ये डिटेलिंग इनके पास ही पड़ी है SBI के पास, तो मैं वो जो करता हूँ वो मेरे को रिफंड नहीं होते। तो मैं साथ ही जब मैं जाता हूँ तो मेरे को मैसेज आता है कि आपके 3,000 रुपीज़ कट गए हैं। मैं फिर से भागते जाता हूँ क्योंकि मेरे को अर्जेंट 3,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो मेरे एक जो कहते हैं ना कि 3 जब ट्रांजेक्शन हो जाए तो आपके चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें 23 रुपीज़ मेरे चार्जेस लग गए। तो जब चार्जेस लगे तो उसके पहले मेरे को जस्ट 2 सेकंड्स मेरे को मैसेज आया था कि आपके 3,000 रुपीज़ कट गए हैं। फिर मैं बैंक में जब वापस ATM में जाता हूँ, एक्चुअली वो थोड़ा डिफरेंस है, 3 ATM साथ आते हैं सांबा में, और एक जो JK बैंक है उसमें मेरे को पैसे मिल जाते हैं, मेरे को 3,000 की ज़रूरत थी। तो मैं जब देखता हूँ कि यार मेरे तो पैसे तो कट गए, पहले ही कट गए, तो वो मैं देखता हूँ कि जब SDFC में जाता हूँ कि शायद वो निकले हों तो मैं नहीं लिए हों, तो उसके बाद जो मेरे को प्रोसीजर पता लगता है कि मैंने ATM से पैसे नहीं लिए, तो फिर मैं इनको उसी टाइम मैसेज, अपना कॉल सेंटर इनका नंबर है जो मेरे पास है, तो मैंने इनको कॉल की तो उनको पूरी डिटेलिंग दी। तो फिर उसके बाद मेरे को मैसेज आता है कि आपकी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि फिर प्रॉब्लम, फिर मैं मैनेजर से बात करता हूँ, फिर शक्तिनगर जो ब्रांच है मेरी SBI की, फिर मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ये जो केस है ये 26 मार्च का है सर, आज 2 महीने हो रहे हैं, इसका अभी तक कोई सलूशन नहीं निकल पाया। मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे पास प्रूफ है, आप मेरे को CCTV फुटेज निकालो जिससे मेरी प्रॉब्लम पता लगे कि मेरी है क्या, कि किसने पैसे निकाले। वो मैं उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अब मैं कहाँ जाऊँ। कितना पुराना अकाउंट है SBI में? सर जस्ट एक्चुअली मैं न्यू जॉब जब मैंने स्टार्ट की थी तो उन्होंने बोला था कि SBI में अकाउंट खुलवाओ तो हमारे ट्रांजेक्शन थोड़ी आसानी से हो जाती है। कितनी देर हो गई है? ये थोड़ा टाइम हुआ था सर, मेरे को फेब में खुलवाया था मैंने अकाउंट, स्टार्टिंग फेब में खुलवाया था, और मार्च में मेरे साथ ये इंसिडेंट हो जाता है। लेकिन आप जब भी कभी बैंक में जाते हैं, थोड़ा सा इधर आइए, जब भी आप बैंक में जाते हैं तो हमेशा वहाँ पर बैनर्स लगे होते हैं कि हम लोग आपके सर्विस के लिए हैं, कस्टमर सर्विस हमारी जो है सबसे प्रायोरिटी रहती है, क्या ये कस्टमर सर्विस SBI बैंक आपको दे सर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही बात बोल रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने बोला कि आप हमारी हेड ऑफिस में जाइए। हेड ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे जुगेश जी हैं, वो उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं मेरा नाम जुगेश जी है ही नहीं, ठीक है। फिर मैं उससे जाके किससे बात करूँ वो मेरे को समझ नहीं आता, सारे बिजी होते हैं, मेरे को पता नहीं लगता उस चीज़। आपने जो SMS किए हैं बैंक मैनेजर को, आप वो भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने मैसेज मुझे ज़रा वो दिखाइए, हम एक बार दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैनेजर साहब इन SMS के जवाब नहीं देते तो कहाँ जाएगा कोई, एक मैनेजर के अलावा आप कहाँ जाएंगे? मैनेजर जो है एक मेन अथॉरिटी है बैंक की। आपने ये WhatsApp किए हैं इनको, मैं एक बार ये WhatsApp मैसेजेस आपको दिखाऊंगा जो इन्होंने WhatsApp किए हुए हैं। ये मैनेजर हैं SBI के जिनको इन्होंने मैसेजेस किए हैं, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है, हेलो सर, क्या बना मेरे 3,000 का, प्लीज़ चेक। सर योगेश फ़ोन नहीं उठा रहे,
सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, सर देखना क्या हुआ। ये इनको इनको इनके मैसेजेस का कोई जवाब ही नहीं दिया जाता कंप्लेंट्स का, और ये आपके सामने है। क्या बैंक्स इसीलिए बने हैं? क्या बैंक्स का जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो जो हैं इन कंप्लेंट्स का जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, ग्रेवेंस सेल होता है हर बैंक में, जिसके अंदर कोई भी कंप्लेंट्स आपके कस्टमर लेके आते हैं, तो उन कंप्लेंट्स को आप पूरा करें। भानु जी, अब आप क्या अपील करना चाहेंगे और लास्ट आपको बैंक ने क्या कहा है? सर, मेरे को बैंक ने कहा है केस करो। सर, इस पे मैं क्या केस करूंगा? सर, 3,000 रुपये पे कौन केस करेगा पहले ये चीज़ चाहिए। 3,000 रुपये पे केस तो कर लें, लेकिन कितने केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं, तो आपका नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? बाकियों के जो इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, मैं 3,000 रुपये क्या उसमें क्या करूँगा? मैं आपके माध्यम से ये तभी आपके न्यूज़ चैनल के सामने आया हूँ क्योंकि बाकियों के भी अकाउंट्स में पैसे कट रहे हैं। अभी आपने 24 को जो सांबा में इंसिडेंट देखा, वो आपको पता होगा इस चीज़ के लिए कि ये फ्रॉड हो क्या रहा है। कि अगर सर मेरे 3,000 कटे हैं, कल की डेट में मेरे 30,000 कटे हैं, मैं किसी से बात तो करूँगा न्यूज़ चैनल। आज मैं 3,000 पे नहीं आया, कल की रेट पे आपको मैंने आज बुलाया, तो आप अपना टाइम लेके मेरे पास आ गए कि आपको पता था कि इसको प्रॉब्लम है। तो ये है, कल की रेट में मेरे साथ 30,000 कटेंगे तो उस पे बनता है केस करना। अब 3,000 पे मैं क्या केस करूंगा? क्योंकि आपके माध्यम से मैं यही जानना चाहता हूं। 3,000 के केस के ऊपर तो जो वकील साहब की फीस होगी वही 5,000 रुपए होगी, तो 3,000 का केस आप 5,000 में लड़ेंगे, तो ये तो पता नहीं मैनेजर साहब किस अथॉरिटी में ये बात कह रहे हैं और किस कैपेसिटी में वो ये सजेशन दे रहे हैं। अगर मैनेजर साहब ऐसे सजेशन दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से SBI बैंक के जो खुद जोनल मैनेजर हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर कंसर्न शो करना पड़ेगा कि एक मैनेजर लेवल का आदमी ऐसे बोल सकता है कि आप जाके केस करें। तो वो लगता नहीं है कि बैंक को अपनी कारगर्दगी है उसको सही तरीके से वो चला रहे हैं। और बैंकिंग सर्विसेज की अगर बात करें, तो SBI का जिस तरह से कई लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, तो SBI को देखना चाहिए, इन कंप्लेंट्स का जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। भानु, क्या अपील रहेगी अगर आपका स्टेट बैंक के कोई जोनल हेड या फिर कोई इनकी जो हायर अथॉरिटी के लोग देख रहे हो, तो कितनी आपको यहाँ की सर्विस ठीक लगी और क्या आपकी रिक्वेस्ट रहेगी? सर, सर्विस आपने खुद देख ली, ये है आपके सामने ही है, ये कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अभी तो 3 ही ट्रांजैक्शन की थी जो ये हाल हो गया, तो अगर 2 महीने के बाद प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई तो आगे क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। बट ये है कि मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन के पैसे कट रहे हैं, प्लीज़ आप कुछ कंप्लेन कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप जो पैसे कटते हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कि शायद हमने निकाले हैं नहीं, उसकी पूरी डिटेलिंग लीजिए कि आपको भी पता लगे कि आपका पैसा है कहाँ जा रहा है। सर, बिल्कुल, आपका पैसा है कहाँ जा रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, आपकी मेहनत की कमाई है, आप कहीं और मतलब कि इसको यूज़ और मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। अब ये चीज़ फ्रॉड होता रहेगा तो सर आज 3,000 हुआ है, कल 50,000 होगा, 10,000 होगा, हमारा अकाउंट नील हो जाएगा इससे। अगर 5,000 की ट्रांजैक्शन हुई या 10,000 की, कल की डेट में कुछ बड़ी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो जोनल ऑफिसर है, जो भी हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए। और आपके कस्टमर हैं, आप हमारे पे हैं, जो भी है, तो आप इस चीज़ को देखिए कि और आगे से ये केस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भानु का कहना है, और मैं एक बार फिर से आपको ज़रूर दिखाऊंगा जो ये ट्रांजैक्शन हुई है। और मेरे ख्याल से अगर SBI से जितने भी सीनियर्स लोग इस वीडियो को देख रहे हों, तो वो अपने बैंक की के ऊपर जो है जिस तरह से एलिगेशंस लग रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें। और आपका तो एक स्पेशल बैंक के अंदर एक सेक्शन होता है जो इन सब चीज़ों से डील करता है, तो वो सेक्शन क्या कर रही है, उस सेक्शन को काम करना चाहिए और युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, ताकि लोगों के इसी तरह से ट्रांजेक्शन्स ना होती रहीं। 3,000 रुपये कम नहीं होती, मैं तो कहता हूँ अगर 1 रुपया भी किसी का निकला हो तो वो कैसे निकला। 3,000 रुपये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अगर बैंक को लगती है कि 3,000 रुपया निकल गया तो निकल गया, क्यों निकल गया? 3,000 रुपया भी निकला तो क्यों निकला? और अगर केस करने जाना है तो 3,000 रुपये के लिए क्या बैंक के मैनेजर साहब वकील हायर करके देंगे भानु प्रताप सिंह जी को? अगर बैंक के मैनेजर साहब, बैंक के कोई वकील, कोई एसोसिएट अपना देते हैं जिससे कि ये अपना इस केस को आगे परस्यू करें, तो बहुत अच्छी बात है, तो भानु जी भी आगे चले जाएंगे अपना केस लेके। वरना 3,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये के कोई फीस देके वो वकील साहब तो करेंगे नहीं जो उनका केस लड़ेंगे। तो SBI को देखना चाहिए, इस तरह की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स जो हैं बैंक्स की तरफ से आ रही है, आप लोग ज़रूर इसके बारे में सीरियस कंसर्न लेना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा, ये भानु प्रताप जी की स्टेटमेंट है जो ये आपके सामने है, और इस स्टेटमेंट में साफ साफ ये 3,000 रुपये की ट्रांसैक्शन 26 मार्च की हुई है, और अभी तक ये
नहीं, इस चीज़ का कोई भी इनका इनका समाधान नहीं हुआ है। 26 तारीख को दो ट्रांसैक्शंस होती हैं 3,000-3,000 रुपये की, एक 3,000 रुपये वापस आ जाते हैं और एक 3,000 मार्च से लेके अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। आप लोग इसी तरह से देखते रहें जेके मीडिया। हम लोग आपको किसी भी तरह की किसी को भी कोई दिक्कत होती है हम लोगों को कॉन्टैक्ट करें। अगर आपका जेन्युइन इशू होगा जिस तरह से भानु प्रताप जी का, हम ज़रूर जेके मीडिया के माध्यम से कोशिश करेंगे उसको हाईलाइट करने के लिए। तब तक SBI से एक ही रिक्वेस्ट है कि इनके 3,000 रुपये जहाँ से भी हो उनके बैंक से ट्रांसैक्शन हुई है इसका सीरियस कंसर्न लें और जल्द से जल्द इनके 3,000 रुपये इनके अकाउंट में आ जाएँ। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए जय हिंद।